कोरबा में दशहरा के लिए रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर जुट गए हैं। सुभाष ब्लॉक निवासी संजय लहरे ने बताया कि प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार 10 फीट का रावण तैयार कर रहे हैं। कोरोना के कारण पहले जैसे इस बार ऑर्डर नहीं मिला है। पहले दशहरा में 60 से 70 हजार कमा लेते थे, लेकिन अब उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मुड़ापार सुभाष ब्लॉक बुधवारी सहित अन्य जगह के लिए ऑर्डर मिला है। ये सर रावण तो मैं कम से कम अपना 15 साल हो गया है सर बनाते हुए, और इसी में अपना रोजी रोटी भी चलता है। और पिछले साल कोरोना के, अब तो सभी पता है कोरोना था, तो उस साल हम लोग ने 10 फीट बनाया था, कम से कम 4 रावण मिला था सर। और इस बार तो सर मिला, पहले तो परमिशन नहीं मिल रहा था सर, जैसे रायपुर में मिला है ना, उसके बाद में फिर परसों ही समझ लो मिला है सर। अभी तो सर मेरे को एक अपने सुभाष ब्लॉक के लिए जो 18 तारीख को जलेगी, और एक है आपका भुंसीडी के लिए है सर, और एक मुड़ापार में बनने वाला था सर, लेकिन अभी इस बार मुड़ापार को मैं नहीं बना पाया सर, क्योंकि वो लॉकडाउन के चक्कर में वो बोले कि हम लोग ना बनवाना नहीं है करके। अब लॉकडाउन में है सर, अब पहले 60 हजार 70 हजार कमा लेते थे, अब मुश्किल से अभी 10 हजार 12 हजार कमाएंगे सर। हम लोग नील मैदान में दशहरा का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। पिछले बार लॉकडाउन के कारण हम लोग दशहरा नहीं मना पाए थे, उतने छोटे रूप से किए थे, इस बार अच्छे से मनाने की तैयारी चल रही है। हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत में ही हर चीज़ को कर रहे हैं, और ये 25 फीट का इस बार का दशहरा बनेगा, और हम लोग थीम से बना रहे हैं कोरोना के क्या बोलते हैं गाइडलाइन के अनुसार। हम लोग यहाँ लगभग 7 वर्षों से बना रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।